Cut. की शुरुआत में हम शिया को देखते हैं जिसे कोई फोन लगा कर कहता है कि तुम्हारे डैड ने हमसे काफी सारे पैसे उधार पे लिए हैं और अगर तुमने हमें हमारे पैसे दो दिनों के अंदर वापस नहीं किए तो फिर हम तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे वहीं दूसरी तरफ हम नान जियाओ को एक आदमी के साथ देखते हैं वो आदमी नान जियाओ को एक पत्ती देते हुए कहता है कि ये पत्ती कोई मामूली पत्ती नहीं बल्कि ड्रीम ग्रास है और इस पत्ती की हेल्प से आप किसी के भी सपनों के अंदर जा सकती हैं देन अगेन हम शिया को देखते हैं जो कि अपने कपड़े पैक कर रही होती है एंड बाय शाह कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर जाना होगा शिया से पूछता है कि आखिर तुम वापस कब आओगी तो जिस पर शिया कहती है कि मैं वापस कब आऊंगी ये तो मुझे भी नहीं पता द नेक्स्ट सीन में हम शिया को उसकी फ्रेंड के घर में देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम मेरे घर में हो तो इसका मतलब कि बाय अभी तुम्हारे घर में अकेला होगा ना तो क्यों ना मैं उसके पास चली जाऊं? बिकॉज वो अकेला बोर हो रहा होगा जिसे सुनकर शिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है वहीं दूसरी तरफ हमारा बादशाह शिया के बिना काफी ज्यादा परेशान होता है और उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा होता है और बिल्कुल ऐसा ही हाल हमारे शिया का भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ बादशाह के बारे में सोच रही होती है काफी कोशिश करने के बाद भी बाय को नींद नहीं आती है तो एट लास्ट वो शिया को कॉल करता है एंड उससे कहता है कि मुझे उस पर्सन का नंबर दो जिससे तुम्हारे डैड ने पैसे लिए हैं थोड़ी देर बाद, बाद बाय शिया को कॉल करता है एंड उससे कहता है कि अब तुम घर वापस आ सकती हो द नेक्स्ट सीन में हम शिया को उसके घर में देखते हैं जहां जाकर वो कम्पलीटली शॉक्ट हो जाती है क्योंकि जिन लोगों से शिया के डैड ने पैसे लिए थे वो उसके घर में काम कर रहे थे एंड के बोलते ही वो सभी वहां से चले जाते हैं शिया उन लोगों से पैसों के बारे में बात करने की कोशिश करती है बट वो लोग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है जिसे सुनकर हमारी शिया काफी हैप्पी होती है द सीन में हम शिया को उसके फ्रेंड के साथ कॉलेज में देखते हैं जहाँ एक आदमी उन सभी को ड्रीम यानी कि सपनों के बारे में लेक्चर दे रहा होता है जिसके बाद वो शिया उसकी फ्रेंड एंड ज़ाओज़िंग को स्टेज पे बुलाता है एंड देन उन तीनों को एक एक करके उनकी सपनों की दुनिया में भेज देता है शिया की फ्रेंड अपने सपनों में बाय शाओ एंड सी चैन को साथ में देखती है वही हमारी शिया अपने सपनों में अपने डैड को देखकर काफी इमोशनल होती है देन एट लास्ट हमें जॉर्जिंग के सपने को दिखाया जाता है जहां वो एक जलते हुए घर को देखता है और उस घर के अंदर एक बच्चा होता है जो कि जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है सेम नाइट जब शिया अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे वही आदमी मिलता है जिसके बाद वो उन दोनों से थोड़ी बहुत बातें करता है एंड देन शिया को टच करते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके टच करने के बाद से ही हमारे शिया को काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है शिया जब अपने घर में होती है तो वो चुपके चुपके बाद शाव की फोटोज क्लिक करती है बायोशॉ शिया से कहता है कि तुम्हारे डैड ने काफी सारे लोगों से पैसे लिए हुए हैं। जिसे सुनकर शिया कहती है कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बात मुझे ऑलरेडी पता है और जब तक मेरे फादर जिंदा रहेंगे तब तक वो लोग मुझसे पैसे मांगते रहेंगे जिसे सुनकर बायशाह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे डैड को मारने में मतलब कि जान से मारने में जिसे सुनकर शिया उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड उससे कहती है कि क्या अब तुम मेरी फैमिली को भी मारोगे जिसे सुनकर हमारा वाज़ लाइक फैमिली वो ना तो तुम्हारी केयर करते हैं, ना ही तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं और ना ही तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं तो फिर तुम्हारे डैड तुम्हारी फैमिली कैसे हुए जिसे सुनकर शिया कहती है कि ये सब तुम्हारा मैटर नहीं है बादशा कहता है कि तुम्हारा मैटर मेरा मैटर है बिकॉज जब भी वो लोग तुमसे पैसे लेने आते हैं तब तुम्हें घर से भागना पड़ता है तो जिस पर शिया कहती है कि इसका मतलब जब भी मैं घर में नहीं होती हूँ तब तुम मुझे याद करते हो मतलब कि तुम मुझे मिस करते हो जिसे सुनकर बाय कहता है कि हाँ बिल्कुल बिकॉज तुम मेरे लिए खाना बनाती हो शिया जब अपने रूम में होती है तो वो बादशाव को याद करके उस उसपे काफी ज्यादा गुस्सा करती है द नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिया को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है जिसके कारण वो सारा खाना खराब कर देती है मतलब कि शक्कर की जगह नमक डाल देती है और नमक की जगह शक्कर और हमारे शिया का ऐसा खाना टेस्ट करने के बाद तो हमारे बायशाओ का रिएक्शन देखने लायक था सीन में हम नानजियाओ को देखते हैं जो कि बायशाओ के लिए काफी सारा खाना लेकर आती है नानजियाओ से कहती है कि शिया के घर में कुछ भी अच्छा नहीं है तो प्लीज तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ बट नानजियाओ के इस ऑफर को हमारा बाय साफ, साफ रिजेक्ट कर देता है शिया उसी आदमी को कॉल करती है एंड उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि आपसे मिलने के बाद मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है जिसके बाद वो आदमी शिया को अपने क्लिनिक बुलाता है और ड्रीम ग्रास को देखते हुए काफी ज्यादा स्माइल करता है शिया जब उस आदमी के क्लिनिक चली जाती है तो बाशाओ भी उसे ट्रैक करते हुए अपने घर से गायब हो जाता है वही नानजियाओ भी उसे फॉलो कर रही होती है वहीं दूसरी तरफ वो आदमी शिया को सोने के लिए बोलता है एंड देन शिया के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है बट तभी वहाँ पे बादशाह आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उस आदमी से कहता है कि मेरी मोती को पाना इतना भी आसान नहीं है जिसके बाद वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है तभी वहां पे नानजियाओ भी आ जाती है जिसे देखकर हमारा बाय थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है बाय नानजियाओ को बताता है कि यहाँ पे एक ड्रीम ईटर था जो कि लोगों के सपनों को खा जाता है बट मेरे आते ही वो यहाँ से भाग गया तभी नानजियाओ सामने उस पेड़ को देखते हुए बायशाओ से कहती है कि वो आदमी भागा नहीं है बल्कि अभी शिया के सपनों के अंदर है वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि शिया के सपनों के अंदर जाकर उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि शिया को मारकर वो भी उसे मोती छीनना चाहता है नानजिया बाय से कहती है कि तुम्हें शिया को जल्द ही नीच से उठाना होगा जिसके बाद बाय भी शिया के सपनों के अंदर चला जाता है जहाँ वो शिया को उसके डैड के साथ देखता है काफी कोशिश करने के बाद फाइनली बाय शाह के पास पहुँच ही जाता है जिसके बाद वो आदमी शिया को एंड बाय शाह को काफी सारे लोगों के सपनों के अंदर बंद कर देता है उनमें से एक सपना हमारे सीचैन का भी होता है जिसमे उसने बाय शाह एंड नानजियाओ को पकड़ लिया था एज वेल एज उसने हमारे शिया से शादी भी कर ली थी बाय शाह एंड शिया एक एक करके सभी के सपनों से बाहर आ जाते हैं बट एट लास्ट वो दोनों एक आदमी के सपनों के अंदर फंस जाते हैं जो कि कोमा में होता है वहीं दूसरी तरफ वो आदमी नानजियाओ को भी मारने की कोशिश करता है बट हमारी नानजियाओ बच जाती है बायशाओ एंड नानजियाओ जब एक आदमी के सपनों में बंद होते हैं तो वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जिसके शिया एक गाना गाती है जो कि बचपन में उसके लिए उसके डैड गाया करते थे एंड इस सॉन्ग को हमारा बायशॉ भी काफी प्यार से और काफी ध्यान से सुनता है हमारी शिया का ये गाना सुनकर फाइनली वो आदमी भी कोमा से बाहर आ जाता है वहीं दूसरी तरफ ड्रीम ईटर जैसे ही नानजिया को मारने वाला था वैसे ही वहाँ पे बाय शाव आ जाता है एंड उसे ऐसा करने से रोक देता है शिया ड्रीम ईटर को जूस पीने के लिए देती है बिकॉज वो भूख के कारण बेहोश हो गया था बट वो जूस हमारा बाय छीन कर पी जाता है ड्रीम ईट एशिया को बताता है कि मैं खाने में लोगों के सपने खाता हूँ और वो भी सिर्फ और सिर्फ अच्छे सपने यानी कि स्वीट ड्रीम्स ताकि लोग फिर से उस सपने को दोबारा ना देख सकें क्योंकि जब भी उन्हें कोई अच्छा सपना आता है तो वो उसे फिर से देखने की कोशिश करते हैं गाइस आप लोग ना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें है कभी भी मतलब कभी भी आपकी लाइफ में कभी भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा सपना आया हो एंड वो सपना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो जिसके बाद नेक्स्ट डे आपने फिर से उस सपने को देखने की कोशिश की बट उस दिन के बाद आपको कभी भी वो सपना फिर से नहीं आया मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है बट अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट करो वो आदमी शिया से कहता है कि मैं इस मोती को पाकर इससे विश मांगने वाला था की लोगो को और भी ज्यादा अच्छे एंड स्वीट ड्रीम्स आए बिकॉज आजकल लोगो को स्वीट ड्रीम्स बहुत ही कम आते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रेस है जिसके कारण हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है द सीन में हम उस आदमी को नानजियाओ के साथ देखते हैं जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है एंड रातों रात एक स्टार बन जाता है जिसकी काफी सारी लड़कियां फैन होती हैं। शिया बाय सौ से कहती है कि अब हमारे ड्रीम ईटर की काफी सारी लड़कियां फैन हैं तो अब वो उन सभी के सपनों में जाकर उनके स्वीट ड्रीम्स को खा सकता है तभी हमारे शिया को फिर से किसी आदमी का कॉल आता है जो कि उससे पैसे मांगता है जिसे सुनकर हमारी शिया अपने डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है बाय शाह जब सोरा होता है तो शिया उस पत्ती की हेल्प से बाय शाह के सपनों के अंदर चली जाती है जहाँ जाकर वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है तभी वो सामने बाय शाह को नानजियाओ के साथ देखती है इसका मतलब कि नानजियाओ भी उसके सपनों के अंदर आ चुकी है बादशाह नानजियाओं से कहता है कि आखिर तुम हर रोज मेरे सपनों में क्या करने आती हो तो जिस पर नाजियाओं बादशाह कहती है कि क्या तुम हर रोज अपने सपनों में भी क्यूशन का वेट करते हो जिसे सुनकर बादशाह नाजियाओं से कुछ भी नहीं कहता है वहीं दूर से ये सब हमारी शिया देख रही होती है नानजिया के जाने के बाद बाय शाव से क्यू शेंग मिलने आती है एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी शिया होती है जिसे देखकर हमारी शिया भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है एंड तभी उसकी नींद भी खुल जाती है बाय क्यू शेंग के साथ जब एक शॉप में होता है तो वो वहाँ पे खड़ी होकर काफी सारे स्नैक्स को टेस्ट करती है बट काफी सारे स्नैक्स को टेस्ट करने के बाद एट लास्ट उसे पता चलता है की उसके पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है जिसके बाद बाय शाह कुछ सोचता है एंड देन वो शिया का हाथ पकड़ कर वहां से भाग जाता है वहीं दूसरी तरफ ड्रीम ईटर अपने फैंस के सपनों में ट्रेवल कर रहा होता है बट उसके फैंस के सपने तो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं तो एट लास्ट वो भाग कर बाय शाह के सपनों के अंदर आ जाता है जिसे देख कर बाय शाह कहता है की आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो तो जिस पर ड्रीम ईटर कहता है की मेरे फैंस के सपने तो काफी ज्यादा खट खत... खतरनाक नहीं गाइस खतरनाक थे इसलिए मैं तुम्हारे स्वीट ड्रीम्स के अंदर भागकर आया हूँ तो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल बाय कहता है कि ये अच्छा सपना नहीं बल्कि बुरा सपना है द नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि जॉर्जिंग के पास जाकर बैठ जाती है बट वो तो सोरा होता है जिसके बाद हमारी शिया उस पत्ती की हेल्प से जॉर्जिंग के सपनों के अंदर एंट्री कर जाती है जहां हमारा जॉर्जिंग उसी घर के सामने खड़ा होता है जहां पे एक छोटा सा बच्चा हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है जॉर्जिंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने हमारी शिया को देख कर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है जिसके कारण उसकी नींद भी खुल जाती है जिसके बाद शिया जॉर्जिंग को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है एंड इसी के साथ हमारा पार्ट सिक्स यहीं पे खत्म हो जाता है थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय एक्सप्लेनेशन स्टे सेफ एंड हेल्दी बाय बाय